हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल निकिताज फूड लैंड। आई होप आप सब लोग बहुत ही मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सा इंडो चाइनीज स्टार्टर। तो चलिए फटाफट से चिली पटेटो बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल 10 ही मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो कीजिएगा तो आपको ये बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें चिली पटेटोज़ बनाने के लिए यहाँ पर ले लेने हैं 3 पटेटोज़। तो ये देखिए, आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और अब हमें इनकी स्किन अच्छी तरह से हटा लेनी है। तो यहाँ पर आप सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आलू लेना तो बिल्कुल साइज़ में बड़े बड़े ही हो, ताकि जब हम चिली पटेटो बनाएँ तो वो देखने में भी अच्छी लगे और उसका साइज़ एंड शेप भी अच्छी तरह से कट हो जाए। बस इन आलूओं को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अब हमें इन्हें अच्छी तरह से काट लेना है। तो आप देख सकते हो, बीच में से मैंने इसमें एक चीरा लगाया है और फिर से हम इसे ऐसे काट लेंगे। अब हमें इसे ऐसे बिल्कुल फ्राइज के शेप का हमें काट लेना है। तो यहाँ पर एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल पतले पतले से हमें इसे नहीं काटना है। अगर आप इसे एकदम पतला पतला सा काटोगे ना, तो जब हम चिली पटेटो बनाएंगे ना, तो ये आलू बिल्कुल से सिकुड़ जाएंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ एंड शेप है। हमें इसी तरह से सारे आलूओं को काट लेना है। तो चलिए, आलू तो कट चुके हैं, अब नेक्स्ट प्रोसीजर कर लेते हैं। हमें ले लेनी है एक भगोनी और उसमें हम डालेंगे पानी। एक बार वो गर्म हो जाए तो एक चम्मच नमक डाल के हमें सारे आलूओं को इसमें बॉईल करने के लिए डाल देना है। तो यहाँ पर अगर आप आलूओं को तलना चाहो तो आप तल भी सकते हो, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया रेसिपी बताऊंगी जिसमें हमें बिल्कुल भी फ्राइंग नहीं करनी है, लाइक डीप फ्राइंग हमें नहीं करनी है। तो बस आलूओं को गर्म पानी में हमें ऐसे छोड़ देना है। एक बार हमें इसे हल्के हाथों से मिला लेना है और अब एक उबली आने तक हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम यहाँ पर हाई कर लेंगे और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से उबाल आ चुका है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ किस स्टेप पे आपको समझ में आएगा कि आलू हो चुके हैं। एक चाकू लेकर ऐसे हम इसे काट कर देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से जब ये टूट जाए तो गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इन आलूओं को हमें अब पानी से अलग कर लेना है। इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, वरना ये बिल्कुल मशी हो जाएंगे और हमें वैसे आलू नहीं चाहिए। तो ये देखिए, पानी को हमने डिस्कार्ड कर लिया है और ये आलू बहुत ही बढ़िया से कुक हो चुके हैं। तो ऑल इन ऑल हमें 70% ही आलू को कुक करना है। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी कि ये किस स्टेप पर रेडी हो चुके हैं। एक बड़ी सी परात में हमें इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। तो ये देखिए, जब इस तरह से हाथों से आलू बिल्कुल आसानी से टूट जाए ना, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे और एक बार ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर अब हमें स्प्रिंकल कर लेना है 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा कम ही डालिएगा, अगर आप इसे तलोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे चावल का आटा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। 1 चम्मच इसमें डालेंगे नमक, 1 चम्मच काली मिर्च की पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च की पाउडर। लाल मिर्च की पाउडर आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच टमेटो केचप। इसकी जगह पर आप यहाँ पर शेजवान सॉस भी डाल सकते हो, उससे भी ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इन्हें मिला लेना है ताकि ये जो हमने कॉर्नफ्लावर और सारे मसाले डाले हैं, ये अच्छी तरह से आलू पे कोट हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसकी कोटिंग कर ली है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर और डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा सा
लाइक 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे और इन सबको हम फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से कोट हो जाए। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आप इन्हें तलोगे तो आपको कॉर्नफ्लावर ज़्यादा डालना है और अच्छी तरह से इन्हें कोट कर लेना है, लेकिन हम बिल्कुल भी इन्हें तलने नहीं वाले हैं, इसीलिए हमने हल्के से ही कोट किया है। अब एक मोटे तले की कढ़ाई में हमें डालना है 2 चम्मच तेल और इन आलूओं को हमें इनमें अच्छी तरह से डाल देना है। तो आपके बर्तन की कैपेसिटी के हिसाब से ही आप इसमें आलू डालें। तो यहाँ पर मैं 2 बैचेस में बनाऊँगी और आप देख सकते हो बिल्कुल कम तेल में ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप ज़रूर इसे बनाकर देखिए। और सबसे मज़े की बात क्या है पता है, अभी जब ये ऐसे सिक करके तैयार हो जाएंगे ना, आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, ये बहुत अच्छे लगेंगे, क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि हमने जब कोट किया था तब हमने इसमें कुछ मसाले डाले थे, उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस 2 मिनट के लिए इसे हमने एक साइड से अच्छे से भून लिया था और अब हमें इसे मिला देना है ताकि जो तेल है ये आलू के चारों तरफ अच्छे से लग जाए। और अब हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने देना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाए। ये देखिए गिनती के 4 मिनट यहाँ पर लगे हैं और ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कुरकुरे से सिक चुके हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पर हमने बस 2 ही चम्मच तेल लिया था, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच तेल इसमें अभी भी बाकी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं हुए हैं, लेकिन खाने में ये बहुत ही कमाल के बनेंगे। बस आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन आज हम चिली बना रहे हैं तो हम इसे फ्राई करेंगे। बस इसी तरह से दूसरी बैच को भी हम इसमें डाल लेंगे और इसमें सेक के हम उसे हटा लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमें डालना है 1 से 1.5 चम्मच तेल, इसमें डालेंगे हरी मिर्च 2, खूब सारा इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और इसमें हमें फ्रेश अदरक को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी हम ज़्यादा डालेंगे अदरक और लहसुन की और हाई फ्लेम पे हमें इन्हें अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि इसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आए तो ये बहुत ही बढ़िया बने। तो अब जो भी हम चिली यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे ना, तो ये बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही बनेगी। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा प्याज और शिमला मिर्च, इन्हें मैंने बिल्कुल लच्छेदार सा काट लिया था। आप यहाँ पर हरा प्याज भी इसमें डाल सकते हो जिसे कि स्प्रिंग अनियन कहते हैं, रेस्टोरेंट्स में वो कंपलसरी डालते हैं और वो बहुत ही अच्छा भी लगता है, लेकिन आज मैंने उसे स्किप कर दिया है। और बस इन्हें हमें बिल्कुल अच्छे से कुक नहीं करना है, हल्का सा इन्हें हमें सॉफ्ट कर लेना है। ये देखिए तो खाते वक्त ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो हार्डली यहाँ पर 1 ही मिनट के लिए मैंने इसे हाई फ्लेम पे मिला लिया है। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच नमक, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच टमाटो केचप, 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे रेड चिली सॉस, इसमें हम डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच इसमें डालेंगे काली मिरी की पाउडर। और बस इन सबको हमें अच्छी तरह से सौते कर लेना है। यहाँ पे हमें कुक नहीं करना है, बस इन्हें अच्छी तरह से मिला लेना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें हमें डालने हैं सफ़ेद तिल, तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डालिएगा, थोड़ा जेनरस अमाउंट डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और बस अच्छा सा इन्हें मिक्स दे देंगे और जो हमने आलूओं को फ्राई करके रखा था वो अब हमें इसमें डाल लेने हैं और बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें इन्हें आलूओं को अच्छी तरह से मसालों में कोट होने देना है। इसे ज़्यादा देर आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना तो आप कढ़ाई से इसे अलग कर दीजिएगा, वरना ये आलू सॉगी हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं लगेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल बन करके तैयार है, ज़रूर बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो देखिए फटाफट से प्लेटिंग कर दिया है, कितना शानदार इसका कलर आया है, टेस्ट में तो ये बहुत ही बेस्ट है। बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।
और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।